जनता दर्शन की शिकायतों पर सीधी नजर। मुख्यमंत्री हर हफ्ते लेंगे फीडबैक। हर जिले से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे सीएम। मॉनिटरिंग व्यवस्था में बदलाव। गोरखपुर की समस्याओं पर विशेष निगाह। उत्तर प्रदेश में जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए जनता दर्शन के जरिए उनकी समस्याओं की सुनवाई होती है। इसके अलावा कुछ वक्त पहले ही सीएम ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया। अब सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों में क्या क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट हर हफ्ते उन्हें चाहिए। आर्थिक सहायता, आवास से जुड़े प्रार्थना पत्रों और शिकायती पत्रों पर हर जिले से रिपोर्ट तलब की जाएगी। विशेष सचिव हर हफ्ते पूरे सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट और बीते सप्ताह किस मामले में क्या क्या हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट सीएम योगी को देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में जो फरियादी शिकायत लेकर आते हैं, उनकी शिकायतों पर अब जल्दी अमल किया जाएगा और उनकी शिकायतों पर जल्दी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे निर्देश दिए गए हैं कि उन शिकायतों का साप्ताहिक फीडबैक मुख्यमंत्री खुद लेंगे और जिलेवार जो साप्ताहिक फीडबैक है उसकी बाकायदा सूची मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी कि उन पर क्या कार्रवाई की गई, और उस फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करेंगे उन शिकायतों की। इसके साथ साथ सीएम योगी ने निर्देश दिए कि गोरखपुर दौरे के दौरान आने वाली शिकायतों और प्रार्थना पत्रों पर अलग से मॉनिटरिंग होगी। इन शिकायतों से संबंधित अधिकारी रिपोर्ट पर मुहर लगाकर IGRS पोर्टल पर अलग से दर्ज करेंगे। सीएम को जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो जन अपने हाथों से फरियादियों का जो फरियाद पत्र लेते हैं यानी कि एप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि उसमें काफ़ी ढिलाई बरती जा रही है, उसके निस्तारण में काफ़ी कमी आ रही है। इसको देखते हुए सीएम ने अब निर्णय लिया है कि जो भी जनता दर्शन में वो फरियादियों का जो एप्लीकेशन अपने हाथों से लेंगे यानी उनके फरियाद पत्र जो अपने हाथों से लेंगे, उसकी जो निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई हुई उसकी हफ्ते में मॉनिटरिंग करेंगे। जनता दर्शन में आवास से संबंधित पत्र अब तक IGRS के तहत जिलों के DM को भेजे जाते थे, अब इन्हें डाक के जरिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। नई व्यवस्था से शिकायतों के निस्तारण और जनता को लाभ पहुंचाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। माना जा रहा है कि मॉनिटरिंग की इस नई व्यवस्था से प्रदेश की जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। भारत समाचार के लिए लखनऊ से फरमान अब्बास और गोरखपुर से विकास शाही की रिपोर्ट।